महाराजगंज से बड़ी जानकारी, आपको बता दें कि दो युवक फर्जी रॉ के एजेंट बनकर नेपाल जा रहे थे। पुलिस ने दोनों युवकों को धर दबोचा। पकड़े गए दोनों युवक वाराणसी के रहने वाले थे। युवक के पास से रॉ एजेंट के फर्जी कार्ड मिले हैं। नेपाल के कुछ नक्शे और एयरगन बरामद किए गए। युवकों के फोन में पाकिस्तान के नंबर मिले हैं। युवकों से एटीएस और आईबी के अधिकारियों ने पूछताछ की है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, युवक के पास से रॉ एजेंट की जानकारी मिली है। नेपाल के कुछ नक्शे और एयरगन भी बरामद किए गए हैं। बड़ी जानकारी अहम खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं, जहां पर दो युवक फर्जी रॉ एजेंट बनकर नेपाल जा रहे थे और पुलिस ने दोनों युवकों को धर दबोचा है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर पकड़े गए दोनों युवक वाराणसी के रहने वाले थे और युवक के पास से रॉ एजेंट के फर्जी कार्ड भी मिले हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें, नेपाल का कुछ नक्शे और एयरगन भी बरामद किया गया है। तो दोनों युवक वाराणसी के रहने वाले थे और फर्जी रॉ एजेंट बनकर नेपाल जाने वाले थे। बड़ी जानकारी महाराजगंज से, जहां पर दो युवक फर्जी रॉ एजेंट बनकर नेपाल जाने वाले थे, जिन्हें पुलिस ने धर दबोचा है। इनके पास से फर्जी रॉ एजेंट का आई कार्ड भी है। पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार किया है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आकाश यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, फर्जी रॉ एजेंट बनकर नेपाल जाने वाले थे, दोनों को गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन अब तक की जांच में क्या कुछ सामने आया है? क्यों ये दोनों युवक नेपाल जाने वाले थे, क्या कुछ मंशा थी? देखिए, लगातार परत दर परत कहानियां खुल रही। हालांकि महाराजगंज पुलिस को यह सूचना लगा कि एक निजी होटल में कुछ लोग ठहरे हुए हैं, तो उन्होंने छापामारी की। खुद नौतनवा थाना प्रभारी राजेश पांडे भी थे, इस छापेमारी में शामिल थे। जब उन्होंने छापेमारी किया तो ये लोग भाव जमाने लगे, खुद को रॉ एजेंट बताने लगे। उसके साथ साथ नेपाल की बात करने लगे कि हमें नेपाल जाना है, कुछ काम है, कुछ खुफिया विभाग की काम है। तो पुलिस को इनपे संदेह हुआ। उसके बाद लगातार पूछताछ की गई। उसके बाद इनके मोबाइल फोन में पाकिस्तान के कई ऐसे नंबर मिले, जिसके बाद कुछ संदेह हुआ। तो इनको रात भर पूछताछ किया गया। आईबी की टीम लगी रही, रॉ एजेंट पे उनके साथ रात भर रहे। उसके साथ साथ एटीएस की टीम भी नहीं, लगातार परत दर परत कहानियां खुल रहे थे। हालांकि बनारस के अशोक विहार फेस्टू के परवेज बताए जा रहे हैं, राहुल परवेज, वही जालुकपुर जो चौबेपुर थाना क्षेत्र में आता है, मनीष जो राहुल परवेज के ड्राइवर है, ये दोनों सीमेंट का कारोबार करते हैं। बनारस के फेस्टू में इनकी सीमेंट की दुकान है, ये बनारस के ही रहने वाले हैं। और इनके साथ साथ कुछ नक्शे मिले जो नेपाल के नक्शे हैं, उसके साथ साथ एयरगन मिले। इन सभी पहलुओं पे लगातार एटीएस और आईटी की टीम लगातार पूछताछ कर रही है कि इसके पीछे का आखिर वजह क्या है। ये लोग नेपाल जाने वाले थे, उसके साथ साथ इनके मोबाइल फोन में पाकिस्तान का नंबर है। और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने एक हिंदू लड़की से शादी किया, जिनका नाम है साकिया सानिया साक्य, और उसे कुछ दिनों बाद उनका नाम बदल दिया गया। माफ कीजिएगा, सानिया साक्य जो दिल्ली के रहने वाली थी, राहुल की पत्नी है, और एक साल बाद उसके बच्चे हुए तो उनका नाम जिया खान रख दिया गया, यानी कि हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिया गया। और पुलिस द्वारा बताया ये भी जा रहा है कि दूसरी शादी के फिराक पे था राहुल, यानी कि प्रयागराज में कोई रूबी मौर्या है, इससे शादी करने जा रहा था। तो परत दर परत कहानियां खुल रही है। एटीएस की टीम लगातार पूछताछ कर रही है कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है कि ये नेपाल जाना था और पाकिस्तान का नंबर मिल रहा है। तो ये सारी जो जानकारियां मिली, इस पर काम कर रही है पुलिस। बिल्कुल आकाश, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि एक हिंदू लड़की से इन्होंने शादी की थी और करीब एक साल बाद नाम जो है लड़की का बदल दिया गया था, यानी कि धर्मांतरण का मामला भी ये है। क्या जो युवक पकड़े गए हैं, युवक की पत्नी से कोई बातचीत हो पाई है, उसका कोई बयान सामने आया है? देखिए, अभी पत्नी से बात नहीं पाया, हालांकि भाई को कुछ लोगों से संपर्क किया गया, लेकिन तो भाई का साफ कहना है, भाई को भी कहानी अलग बताया जा रहा है। कह रहा है कि नेपाल में इनकी पत्नी बंधक बनाई गई है, इसलिए नेपाल जा रहे थे। जबकि राहुल से पूछताछ किया गया तो राहुल ने साफ साफ कह दिया कि ऐसा कोई मामला नहीं, मुझे नेपाल जाना था, मैं किसी और कारण से जा रहा था। हालांकि पुलिस दूसरी पहल पे जानकारी करी कि कहीं बैंक की रॉबरी का केस हो या इनके पास एक एयर गन था, वो एयर गन ऐसा था कि कान पे लगा कर तेज। ठीक है आकाश, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।